अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं सुल्तान भाई के साथ आया हूँ किडनैपर्स की लोकेशन पे। यही लोकेशन थी किडनैपर्स की। सुल्तान भाई, सत्तू कहाँ है? अब क्या करना चाहिए हमें? कहाँ की आ रही है यार? ये बहुत डेंजरस एरिया लग रहा है मुझे। इसी एरिया में? चलो चलो यार, चलो फिर। अरे भाई, अरे इतना क्यों अफसरदा बैठे हो? अरे थोड़ा जश्न हो, दिल जले लगते हो। अरे अभी हम बाहर जाएंगे, चिल करेंगे, मस्ती करेंगे, जश्न हो। सुल्तान भाई काफी ज्यादा डरा हुआ है। अरे भाई डरने का नहीं, डरने का नहीं। अरे रुक जाओ पंटर लोगों, क्या कर रहे हो? जान बने का डान, जान का रोके का खान। मेरे एक तूफान दिमाग में एक शैतानी आइडिया आया है। अभी आप लोगों को बाहर लेके जाऊंगा, दाढ़ी बनवाऊंगा, बाल बनवाऊंगा। अरे अब तो हंसो, खा लो, खा भी नहीं रहा। खाओ ना, खाओ, चलते हैं ना बाहर, चलते हैं। चलो बनवाते हैं, होली अपना ठीक करें। आप बहुत परेशान थे, अब चिल करें। स्माइल लेकर आए अपने फेस पर। डन 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 नहीं है सुल्तान भाई, अपने ये चीज। चलो बच्चे भाई, अभी चलते हैं ना, फ्रेश करते हैं, क्या ख्याल है? जी जी बिल्कुल, अभी कहाँ लेके जा रहे हैं आप? पहले आपको सैलून पे लेके जाएंगे, वहाँ पे आपको फ्रेश करेगा, उसका जुकाम दूर करेगा, सब फ्रेश करके वापस आएगा, एंजॉय करेगा, प्लेलैंड लेके जाएगा, जहाँ जहाँ बोलेगा जाएगा। चलो भाई, काफी ज्यादा अली सैड था, अली को बड़ी मुश्किलों से सैंडविच खिलाया मैंने और जूस वूस पिलाया। अभी सुल्तान भाई के साथ हम लोग जा रहे हैं पहले बार्बर शॉप, जाके वहाँ से भाई कटिंग शटिंग करवाते हैं। मेरा भी हुलिया जो काफी ज्यादा खराब हुआ है, अली भी काफी ज्यादा, अली के भी बाल बड़े हो गए। पहले जाते हैं खदशत बनवाते हैं, उसके बाद फिर सुल्तान भाई हम लोगों को थोड़ी आउट। खतरनाक है बाबू भाई, आपके होते हुए हमें किस चीज का खतरा यार? अरे वैसे अपन का दुश्मन बहुत है ना, समझा करो यार। आपने 40-50 तो अपने गनमैन रखे हुए, फिर क्या खतरा? जरूरी है, अभी गनमैन साथ है नहीं है ना, क्योंकि हम खुद गन है। अभी हम आ गए हैं सैलून पे और भाई भी फ्रेश हो जाएंगे और अली भी फ्रेश हो गया। मुझे ऐसा लग रहा है सैलून पे बार रस्सी में छोड़ा भाई, रस्सी में ठीक है। चलो भाई, पहले अली की कटिंग शटिंग होगी, उसके बाद भाई मैं भी अपनी कटिंग करवाता हूं, कटिंग शटिंग करवाता हूं। गाइस आप सबको पता है कि अली को हम वापस लाए हैं। अभी अली देखो कितना ज्यादा खुश लग रहा है, घूम रहा है। हां अली कैसी है तबीयत, आप बताओ जरा? बहुत अच्छी मेरी तबीयत है, लेकिन घर जाना है। घर जाना है अली, देखो घर भी चले जाएंगे, अभी दो मिनट रुको, दो मिनट नहीं दो दिन रुको, ठीक है? अली आपकी कटिंग करवाइए, कैसी लगी आपको कटिंग? ये भाईजान, ये इनका ये सीन था कि बहुत ज्यादा इनकी हालत खराब थी, सैलून पे गए, फ्रेश किया, तरोताजा किया, उसके बाद बहुत बहुत ज्यादा डरा हुआ था अली। अब जो है अली देखो कितना फ्रेश लग रहा है, आपने देखा था कल वीडियो में ये कितने ज्यादा जो है वो परेशान थे, रो रहा था बार बार, मेरे को घर जाना है घर जाना है। अभी भी एक बात कर रहा है, घर जाना है लेकिन अभी नहीं जाना अली। इसकी रीजन पता है क्या है? अभी भी वो लोग जो है वो ढूंढ रहे हैं। आप मुझे एक बात बताओ, आपने उन लोगों को देखा है?
मैंने देखा था लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर जा रहा कोई कपड़ा रख दिया, मैं बेहोश हो गया था। बेहोश हो गया थोड़ा सा, मतलब आपने जो जो आपने स्केच बनवाया है अभी पूरा स्केच नहीं कंप्लीट हुआ, जैसे ही स्केच कंप्लीट होगा बंदे यहीं पे बैठे होंगे और यहाँ पे उनके हाथ बंधे हुए होंगे, आप सब वीडियो में देखेंगे। एक और जो मेन इशू है, आपके कमेंट्स भी आ रहे हैं और अनस भाई भी बहुत ज्यादा इस हवाले से परेशान है, अब्दुल्ला के हवाले से। अब्दुल्ला घर से गायब है और इस चीज की समझ नहीं आ रही कि वो किधर गायब है, अभी कोई इन्फॉर्मेशन के पास नहीं थी। इन्होंने डिटेल आज मेरे से शेयर की है कि अब्दुल्ला जो है वो गायब है, इसलिए मैंने साहिल भाई को बुलाया है जो कि हमारी अब्दुल्ला को ढूंढने में हेल्प करेंगे। साहिल भाई बताएं आप अब्दुल्ला को ढूंढने में हमारी किस तरह हेल्प करेंगे, हमें डिटेल दें थोड़ा। अब्दुल्ला का जो इनिशियल स्केच हमें मिला उसके अकॉर्डिंग वो किसी बिग सिटी के अंदर है, यानी कराची के अंदर है। कराची तो उसके लिए तो फिर मेरे को जाना पड़ेगा तो अभी इनको स्टे दिया हुआ है क्योंकि लोग जो है वो अभी भी पीछे हैं जो किडनैपर्स हैं, लेकिन अभी ये नहीं पता चल रहा वो है कौन। जैसे हमें पता चलेगा हम पकड़ कर लाएंगे उन्हें, और अभी जो है कि हम एंजॉय कर रहे हैं बस और अली को टेंशन नहीं दे रहे, ठीक है। तो बाकी अनस भाई कुछ कहना चाहेंगे। थैंक यू सो मच यार सुल्तान भाई, आपने हमारी अली को ढूंढवाने में हेल्प की और मैंने अब्दुल्ला के हवाले से भी सुल्तान भाई से बात की है, तो सुल्तान भाई बोल रहे हैं कि अब्दुल्ला को ढूंढवाने में भी आपकी हेल्प करेंगे, उसको वापस घर लेके आएंगे। थैंक यू सो मच। और फिलहाल वैसे तो अली भाई रो रहा था, वो भाई टूट जाएगा अली, सुल्तान भाई ये टूट जाएगा यार। अरे कोई बात नहीं बच्चा है, खेलने दो यहाँ पे भी हरकतें स्टार्ट हो गई, आपसे भारी है ये। और भाई कल तो भाई सुल्तान हमारी हालत बड़ी, मुझे सुल्तान भाई बोलते हैं भाई यार कैसी हालत बनाई है यार, ऐसा लग रहा है कि 3-4 महीने से किसी मजार पर बैठे हो। मैंने बोला भाई आशिक वाशिक क्यों, कोई लड़की वड़की का चक्कर नहीं है, ये बस टेंशन है घर की और काम, इसमें फंसे रहते हैं तो टाइम नहीं मिलता। तो सुल्तान भाई जबरदस्ती हमें सैलून लेके गए भाई, देखो मुझे पप्पू बच्चा बना दिया, मतलब लड़की वड़की में मैसेज भी आने चाहिए। लेकिन आपसे प्रॉमिस किया था, उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया, ढूंढवाने में मदद। थैंक यू सो मच यार, थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं यार, और भाई वैसे तो हम लोगों को घर जाना था लेकिन अभी सुल्तान भाई ने बोला एक दो दिन इधर स्टे करो, आप लोग चलेंगे जब टेंशन आपको घर छोड़ के आएंगे, परेशान नहीं होना। बस आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर अभी तक सुल्तान भाई को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार सब्सक्राइब कर दो। और आपका भी अगर कोई मसला हो तो कहीं जाने की तो जरूरत नहीं, आप लोगों को डायरेक्ट आना है सुल्तान भाई के पास। ओपन नहीं।